Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल कोसा चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को किस तरीके से दोबारा पा सकते हैं। तो दोस्तों हमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब आपका मोबाइल कहीं पर भी गुम हो जाता है या कहीं पर गिर जाता है या कहीं से चोरी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में किस तरीके से अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को किस तरीके से पा सकते हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में सारा चीज़ समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बनी रहिए। तो दोस्तों वीडियो आने पर बढ़ने से पहले मैं हमेशा ही तरह आपसे बोलना चाहूँगा, अगर दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारी वीडियो के नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बगल में आएगा बेल नोटिफिकेशन, उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा समझने के लिए हमारे मोबाइल की स्क्रीन तरफ चलना होगा। तो दोस्तों बिना टाइम गए हुए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन तरफ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसकी या डाटा चला जाता है तो और किस तरीके से उसे इरेज कर सकते हैं और अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन के पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों प्ले स्टोर पर आपको जैसे ही दोस्तों हम प्ले स्टोर को यहाँ पर ओपन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको लिखना है फाइंड माई फ़ोन। तो दोस्तों यहाँ मेरा पहले से ही सर्च बार किया हुआ है, तो दोस्तों आपको ये फाइंड माई फ़ोन को यहाँ पर सर्च कर दे रहा है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ऐप आ गया तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इंस्टॉल पर आपको क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल होने लगेगा। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मेरे, तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया तो दोस्तों अब करते हैं इसको ओपन। तो दोस्तों आपने जिस ईमेल आईडी को, जैसे आपका मोबाइल खो चुका है तो आपको जिस ईमेल आईडी को उसमें लॉगिन किया हुआ है तो आपको सबसे पहले उस ईमेल आईडी को ये जरूर से जरूर याद रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एक ईमेल आईडी लगी हुई है, तो आपको यहाँ पर अपनी जो खो गया है उस मोबाइल फ़ोन में आपकी एक ईमेल आईडी याद होनी चाहिए जो मोबाइल फ़ोन खो चुका है। तो दोस्तों उस ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एक ईमेल आईडी लिखी हुई है तो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड मांगने लगा है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी का जरूर से जरूर आपको पासवर्ड बनाया होगा, तो आप उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपना उसको सिंगल किया तो दोस्तों मुझे यहाँ पर ऑप्शन पर ये से ऑप्शन पर ले आया है। तो दोस्तों आपका किसी भी तरह से मोबाइल खो जाए तो आप उसमें ईमेल आईडी को जरूर से जरूर याद रखें। और दोस्तों अगर आपसे पास में वो फ़ोन है तो आपकी जीपीएस लोकेशन उसका भी ऑन कर दें, जिससे उसकी लोकेशन से मालूम पड़ सके कि आपका फ़ोन खो चुका है तो किस तरीके से उसे लोकेशन से भी यहाँ से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसमें जो ईमेल आईडी लगी हुई थी तो दोस्तों वहाँ पर मैंने सिंगन किया तो दोस्तों मैंने उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन किया। तो दोस्तों मेरी कौन कौन से मोबाइल में जैसे ये ईमेल आईडी लगी हुई है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं तीन, यानी कि तीन मोबाइल फ़ोन में मेरी ईमेल आईडी लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह से मोबाइल मेरा खो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले लोकेशन आपको दिखा रहा है कि कौन सी जगह पर लोकेशन है और कहाँ पर ये मोबाइल है। तो दोस्तों आपको ये लोकेशन दिखा रहा है तो आप इस लोकेशन से भी मालूम कर सकते हैं तो आपका मोबाइल किस तरीके से वहाँ लोकेशन दिखा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो साउंड दिखाना है जैसे आप उस पर साउंड बुलाना है तो दोस्तों आपको प्ले साउंड पर आपको क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वो भले ही स्विच ऑफ हो या बिना अंदर भी छुपा हुआ हो, बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दिया तो दोस्तों वहाँ पर भी यहाँ पर साउंड बजने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाता है सिक्योर डिवाइस। तो दोस्तों आपको जैसे यहाँ पर सिक्योर डिवाइस पर क्लिक कर सकते हैं तो दोस्तों उसे यानी कि जो स्विच ऑफ खुलते हैं तो आपको यहाँ लॉक स्क्रीन पर आपको दिखने लगाया। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह से आपका मोबाइल खो जाता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपना नंबर या फ़ोन नंबर यहाँ पर नीचे डाल सकते हैं, ऊपर उसका स्क्रीन में एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि ये मेरा फ़ोन खो चुका है तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके बता दें, मैं अपना मोबाइल फ़ोन को ले लूँगा।
तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। तो अगर उसने चाहे तो आपके मोबाइल फ़ोन को फिर से रिटर्न कर सकता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो गया। सबसे नीचे वाला यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आता है इरेज डिवाइस। अब दोस्तों यहाँ पर इरेज डिवाइस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपका डाटा है तो उस डाटा को यहाँ से सीधा यहाँ पर इरेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके डाटा को कोई भी यहाँ से यूज नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इरेज डाटा पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर ऑल डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम दिस डिवाइस आफ्टर योर डिवाइस हैज बीन इरेज्ड, यू कैन आई लोकेट इट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इरेज डिवाइस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर पूरा सारा डाटा वहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से घर बैठे यहाँ से पूरा डाटा यहाँ से इरेज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हाँ ये मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि ये मेरा फ़ोन खो चुका है। और यहाँ पर ये आप किसी भी तरह से घर में रखकर भूल जाते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन है, या नेटवर्क क्षेत्र से मेरा मोबाइल फ़ोन बाहर है, तो ऐसे में फ़ोन भी नहीं लगा पाते। तो दोस्तों ये इस प्ले साउंड से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों खास करके यहाँ पर लोकेशन है, तो दोस्तों आप यहाँ पर लोकेशन से मालूम कर सकते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ पर खोया है और कहाँ से गुम हुआ है। तो दोस्तों ऐसे इस तरीके से आप अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को पा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा ये ट्रिक वर्क नहीं करती है, तो दोस्तों आप पुलिस में कंप्लेंट करवा सकते हैं और दोस्तों वहाँ से भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पुलिस में कंप्लेंट करवा दीजिए और अपना मोबाइल फ़ोन की जो आईबीआईएन नंबर से आपको पुलिस वाले जरूर से ज़रूर पता लगा के आपके मोबाइल फ़ोन को वहाँ से भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए लाइक और दोस्तों वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे आने वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।